आदरणीय व्यापारी भाइयों, हनुमान मिल जैन गोलचा का सादर नमस्कार। आज मैं श्याम कुमार राजकुमार के मालिक श्री भगवान श्री रामचंद्र जी आज ऐसे व्यक्ति से साक्षात कर रहा हूँ जो मेरे समय से 53 वर्षों 50-55 वर्षों से बराबर उनको देखता आ रहा हूँ। और ये ऐसे व्यक्ति है जिनकी फिल्म भी श्याम कुमार राजकुमार की नीचे अपने ऑफिस तो बड़ा ऊपर है लेकिन नीचे बैठे मिल जाते हैं और मेरा रास्ता लगभग वही रहता है आने का, सवेरे का और शाम को जाने का। और ऐसे व्यक्ति से मैं जो दर्शन करता हूँ भगवान कह करके, भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम तो बोलते हैं, अरे हनुमान सुधर जा ऐसा मत बोला कर। कई बार कहते भी, एक बार मैंने कहा कि भगवान यदि आप या तो अपना नाम बदल दीजिए या फिर मैं तो अपना नाम बदलूंगा नहीं, कि मुझे भगवान मिले हुए ऐसा सोचा भगवान श्री की चश्मा लगाता है उसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, गलती थोड़ी कर रहा हूँ। जो चश्मा नहीं लगाता है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, तरती रोकती है। आपने तो बहुत मेरी तो है 55 साल 60 साल जो भी है आप देखते आ रहे हो, मैं तो आज ऐसे व्यक्ति का मैं साक्षात करके मैं अपने आपको भाग्यशाली समझूंगा। आज आपसे भी साक्षात करवा रहा हूँ भाई साहब भगवान श्री रामचंद्र जी। नमस्कार जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया जी। परिस्थितियां इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं लगता। मेरे को ये मालूम नहीं था कि मैं एक छोटे से गांव चरखी दादी में पैदा हुआ, घर की परिस्थितियां बड़ी नाजुक हो गई और सन 1965 की जिस टाइम के अंदर पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी उस टाइम में मेरे को मजबूरन दिल्ली का नहीं देखना पड़ा। उस टाइम में आया था 65 में आया था, उस टाइम में मेरे को दिल्ली आना पड़ा, मजबूरियां आ गई और यहाँ आकर के मैंने जो है अपना काम शुरू किया। पहले मुनीनी सीखी, मुनीनी खारी बावली में सीखी, उसके बाद जो है मैंने रूई मंडी के अंदर राम रतन श्री किशन के यहाँ तक पट्टी की, आपका जो है उसके बाद दाता मंगत के यहाँ मैंने नौकरी की। उस टाइम के अंदर मुझे सिर्फ 80 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 80 रुपए तनख्वाह मिलती थी, 80 रुपए की तनख्वाह में से मैं 75 रुपए घर बेचता था और 5 रुपए जो है मैं अपनी जेब खर्च के लिए रखता था। और आपको मैं क्या बतलाऊं, शायद आज मैं अपने बच्चों या पोतों या पोतियों के सामने कहूं तो वो अचंभा मानते हैं, मैं 40-40 मील जो है डेली साइकिल चला करके इस दिल्ली के कोने कोने से तगाजे लेकर के सुबह 10 बजे घर से निकल दुकान से निकलता था, शाम को 7 बजे आता था और जो आकर के दुकान पे पैसे समरवाता था और फिर दुकान पे सो जाता था। उसके बाद मैंने जब आपके राम रतन श्री किशन के नौकरी की, उस समय मेद कैंप के अंदर घुसल खाना बना हुआ था, उस घुसल खाने के ऊपर चट्टा था, उस चट्टे के ऊपर मैं रात को उस 72-73 की ठंड के अंदर रात को वहां सोता था। वाह जी वाह वाह वाह। मैंने अपने जीवन का जो संघर्ष किया है वो संघर्ष शायद ही आज कोई आदमी कर पाएगा और उस संघर्ष का नतीजा ये है कि मैं आज धीरे धीरे इस बाजार में भी कामयाब हुआ, व्यापार में भी कामयाब हुआ और धीरे धीरे मैं संस्था में भी पहुंचा। दिल्ली ग्रीन मर्चेंट एसोसिएशन संस्था में 2-3 बार मैं पदों पर रहा, लोगों ने मुझे बहुत विश्वास दिया, अपना बच्चा समझ करके मुझे जिताया, मैं बाजार वालों का बहुत आभारी हूं। और उसी दौरान मेरा संपर्क मेरे गुरु हनुमान जी से हुआ। सन 1965-66 की बात है, जब मैंने हनुमान जी से मैं मिला तो मैंने उनसे मिलकर के मेरे को ऐसा हुआ कि भाई मैं राम और ये हनुमान दोनों का संपर्क बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद ये भी महाराष्ट्र में जाते रहे, मैं भी महाराष्ट्र में गया, लोकल में भी मिला। उसके बाद इन्होंने जो संघर्ष किया वो संघर्ष मेरे से भी ज्यादा था। इन्होंने अपनी भुजिया बेची, पापड़ बेचे, सब कुछ किया। उसके बाद जो है जगह जगह नौकरी की, फिर भगवान ने इनको सद्बुद्धि दी और वो सद्बुद्धि शायद ही किसी को दे पाएगा कि इनके मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना एक ऐसी चीज तैयार करूं जो कि देश के पूरे कोने में दिल्ली का नाम रोशन करे और जो है ना व्यापार को व्यापार से जोड़े। तो उन्होंने एक छोटी सी जो है ना जेब के हिसाब से डायरेक्टरी तैयार की, उस डायरेक्टरी के अंदर पूरी दिल्ली, नया बाजार, रूई मंडी, मेदगंज, नरेला के नंबर फर्मों के नाम लिखे। वो डायरेक्टरी इतनी सक्सेस हुई इनके दौरान के अंदर कि उस डायरेक्टरी ने पूरे देश को
दिल्ली से जोड़ा। बहुत अच्छा, आपको बहुत सारा अनुभव है। पूरे देश को दिल्ली से जोड़ा और उसकी सफलता से जिस ढंग से हनुमान जी आगे बढ़ते चले गए, मैं भगवान से आज यही कहता हूँ कि भगवान इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और ये आगे जिस कार्य के लिए भी आगे कर रहे हैं वो कार्य इनका सक्सेस हो, जिससे ये बाजार आगे बढ़े। और मेरा तो यही कहना है कि मेरे को इस बाजार में दो रोटी दी है, मैंने सब कुछ इस बाजार से कमाया, सब कुछ इस बाजार में किया। मैं तो भगवान से यही कहता हूं कि भगवान जो मेरे 53 साल जो निकाले हैं, आज जो मैं बोनस के टाइम पे चल रहा हूं, वो और मेरा समय भगवान इन भाइयों के बीच में बैठ करके बहुत बढ़िया ढंग से निकाल दे, मेरी आप सबसे यही शुभकामना है। भगवान रामचंद्र जी आपको धन्यवाद देने से पहले आज मैं गदगद आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आज मैं अपने आप को समझता था कि मैंने संघर्ष किया है। आज आपकी कहानी सुन करके, हालांकि शुरू से देखता आ रहा हूँ, संघर्ष भी आपने देखा है, पर इस तरह का संघर्ष देख करके मैं आज इतना अपने आप को यू होता है कि हनुमान तो कुछ भी नहीं रहा। आज ये बाजार की जो मैं कर रहा हूँ साक्षात्कार, यही मेरा दिया, जो आप भी इस बात को मानते हो। आज आपने विश्वास जता दिया कि बाजार हमारे लिए व्यापार बाजार सबसे बड़ी बात है, उसी से हम टिके हुए हैं। ये भगवान रामचंद्र जी शिक्षा मेरा भगवान रामचंद्र ही दे सकता है, कौन दे सकता है। आज मैं लगभग 45 से 40 साक्षात कर चुका भगवान, बल्कि आपसे आज साक्षात करके मैं भागो भाग हो गया। आज आशुराय भी सफल हो गया, जिसने मेरे शुभकामना से शुरुआत करवाई, जिसे ये डिजिटल का बोलना भी नहीं आता, डिजिटल का जो युग में उसमें आशुरा लेके आ रहा है। मुझे आज अत्यंत खुशी है कि ये मेरे बाजार का जो आभार जैसा आपने बताया है, आप भी इतने पदों पर होने के बाद भी बाजार का आभार प्रकट कर रहे हो, तो मैं तो कर रहा हूं तो विशेष बात नहीं है। ये नया बाजार मेरे लिए भुजिया पापड़ से लेकर के भगवान रामचंद्र जी आपने देखा है, आज भी वो साथ दे रहा है, तन से मन से धन से पूरा व्यापार मेरे साथ है। इससे ज्यादा आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है भगवान मेरे रामचंद्र जी। मैं बीच में एक चीज और कह देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि 53 साल जो हमारे इस बाजार में निकले, वो एक 53 साल एक ऐसी इज्जत से निकले कि शायद वो किसी आदमी के निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने इस बाजार में मान सम्मान कमाया, मान सम्मान अपने बुजुर्गों को दिया, उन बुजुर्गों से हमें सब कुछ मिला और आज भी ये हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं। हम आज भी, और हनुमान जी मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, आज भी हनुमान जी इस 53 साल की जिंदगी के अंदर आज इस बाजार में बेदाग हैं, इनके ऊपर किसी चीज का कोई दाग आज बाजार में नहीं है। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आज मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं कि मैंने बहुत नजदीकी से इनको देखा है, बहुत नजदीकी से, जैसे आपस में भाई की नजदीकी से देखा है, लेकिन इन्होंने संघर्ष करते करते आज समय बदल गया, वक्त बदल गया, दुनिया बदल गई, उस बदलने के दौरान में इंसान भी बदल जाता है, और इंसान बदल जाता है नहीं, इंसान को लोग बदल देते हैं, लेकिन फिर भी ये ना बदले, ना इन्होंने अपने ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति आवाज उठाने दी, ना कोई गलत काम किया, और आज इस बाजार में 53-54 साल की जिंदगी बड़े आराम से बेदाग निकाल दी। हनुमान जी मेरा एक और कहना है, ये बच्चा आपके सामने मेरे सामने बैठा, ये आपका बच्चा ना हो के मेरा भी बच्चा है, मैं अपने बच्चे को यही कहता हूँ कि बेटे आपने हम इस सारी चीजों को, इन सारी बातों को हमारे से सुना, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि हमारे माँ बाप ने या हमारे पापा ने इस बाजार के अंदर इतना संघर्ष झेला, और संघर्ष झेल करके हम लोगों को किस ढंग से दाना पानी खिलाया, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मुझे पता लगा कि आप एक डिजिटल डायरेक्टरी बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने पिताजी के मान सम्मान को देखते हुए आप जो चीज बना रहे हैं, भगवान उसके अंदर आपको बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस करेगा, और वो सक्सेस आपको इस बाजार के अंदर कामयाबी देगी। जैसे आपके पिताजी ने इस बाजार में इतना कार्य किया है, उससे भी ज्यादा आप अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे।